बिहार के पूर्णिया से लगातार दो चुनाव हारने के बाद बीमा भारती ने एक बार फिर नीतीश कुमार से मुलाकात की है, जिसके बाद से बिहार की राजनीतिक गलियारों में बीमा भारती और नीतीश कुमार की चर्चा तेज हो गई है। इसके बाद चर्चा है कि वो जल्द ही लालू की पार्टी आरजेडी छोड़कर जेडीयू में शामिल हो सकती है। वही मुलाकात को लेकर बीमा भारती ने कहा है कि राजनीति में कोई अस्थाई दोस्त या कोई अस्थाई दुश्मन नहीं होता। नीतीश कुमार मेरे अभिभावक हैं। पूर्णिया से लगातार दो चुनाव हारने के बाद पूर्व विधायक और मंत्री बीमा भारती ने एक बार फिर नीतीश कुमार से मुलाकात की है। लोकसभा चुनाव से ठीक पहले बीमा भारती जनता दल यूनाइटेड पार्टी छोड़कर लालू की पार्टी राष्ट्रीय जनता दल में शामिल हो गई थी। पूर्णिया के रुपौली सीट से 5 बार विधायक रही बीमा भारती को अब अपने राजनीतिक भविष्य की चिंता सताने लगी है। शायद यही वजह है कि उन्होंने एक बार फिर जनता दल यूनाइटेड में वापसी के अपने रास्ते तलाशने शुरू कर दिए हैं। बीमा भारती ने शुक्रवार को बिहार विधानसभा के मॉनसून सत्र के आखिरी दिन मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से उनके चैम्बर में मुलाकात करने पहुंची, जिसे उनकी जेडीयू में वापसी की कोशिश के तौर पर देखा जा रहा है। हालांकि जब एक इंटरव्यू में उनसे जेडीयू में वापसी को लेकर सवाल भी पूछा गया तो उन्होंने जवाब में कहा कि राजनीति में संभावनाएं बनी रहती है, कोई अस्थाई दोस्त या दुश्मन नहीं होता। बता दें कि बीमा भारती रुपौली से जनता दल यूनाइटेड की विधायक थी। उन्होंने साल 2024 लोकसभा चुनाव लड़ने के लिए पार्टी और अपने विधायक पद से इस्तीफा दे दिया था और फिर आरजेडी में शामिल हो गई थी। बीमा भारती ने आरजेडी के टिकट पर पूर्णिया से लोकसभा चुनाव लड़ा था, लेकिन उन्हें जबरदस्त हार का सामना करना पड़ा। वो तीसरे नंबर पर रही थी। पूर्णिया से निर्दलीय प्रत्याशी के तौर पर पप्पू यादव ने चुनाव में जीत हासिल की थी। इसके बाद बीमा भारती ने रुपौली में हुए विधानसभा उपचुनाव में भी अपनी किस्मत आजमाई, लेकिन वहां भी उन्हें हार का सामना करना पड़ा और निर्दलीय प्रत्याशी शंकर सिंह को जीत मिली। आरजेडी के टिकट पर लोकसभा और फिर विधानसभा उपचुनाव हारने के बाद अब ऐसा लगता है कि बीमा भारती को अपने राजनीतिक भविष्य की चिंता सताने लगी है और इसीलिए उन्होंने नीतीश कुमार से मुलाकात की है। माना जा रहा है कि वो जल्द एक बार फिर से जेडीयू में शामिल हो सकती है। नीतीश कुमार से मुलाकात करने के बाद बीमा भारती ने उन्हें अपना अभिभावक बताया है। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों के ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस QR कोड को स्कैन करें।